इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब जब साइफर वाला केस है, आप ये काबिले जमानत जुर्म है, मैक्सिमम अगर आप इसको देखो तो 2 ईयर सेंटेंस है। तो जहाँ 2 ईयर सेंटेंस हो और उसमें जमानत खारिज हो जाना, हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये देखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ज़्यादा अरसे के लिए होगा, और 2 महीने हो गए हैं उसी केस में। उससे पहले वाला जो था तोशाखाना वाले में, तो वो तजार जमानत होगी। और जो दूसरे केसेज हैं, अल कादर ट्रस्ट वाला हो या कोई भी जो जिसमें वो नैब कोर्ट ने उसमें जमानत खारिज कर दी थी, वो अदम पैरवी पर की थी, वो ताहिर सिप्रा वाला आर्डर ऑलरेडी सेटिसफाइड हो गया है। यानी ये अदम पैरवी में तो खारिज हो ही नहीं सकता, मेरिट पर डिसाइड होना है, और अदम पैरवी वाले में भी जमानत वो हो जानी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब हम कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखें, इसलिए हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, और मैं होपफुल हूँ कि आज शायद जमानतें हो जाएं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो तैयारियाँ पकड़ लें, मिठाइयाँ और जो फूलों की पत्तियाँ हैं और दीगर जो लवाजमात होती हैं जश्न की इस्तकबाल की, वो कर लें? आप कितने उनको उम्मीद आपको नज़र आ रहे हैं मामला? देखें, अगर तो अदालती केसेस के हवाले से देखा जाए तो ये मुकदमात होने नहीं चाहिए थे, इनको जेल में जाना ही नहीं चाहिए था। अब साइफर की मिसाल देखें, गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम कर दी है इन्होंने। भाई जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको तो कहते हो वो मुल्ज़िम बन गया। और जिन्होंने गुलामी का तौक अपने गले में डाल के और इक्तदार लिया और कहते थे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उनको आपने मुद्दई और मुनसिफ बना दिया। तो ये मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें हम जश्न ना मनाएं कि जी जमानत नहीं होगी। लेकिन मसला क्या है? मसला हमारे लिए कंप्रोमाइज जजेस हैं, मसला हमारे लिए रियासती इदारे हैं, मसला हमारे लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो कि प्रॉपरली रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार है, जिसकी वजह से हमें मसाइल दरपेश हैं। तो क्या सेम क्वेश्चन के जश्न की तैयारियां शुरू कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान? अल्लाह करेगा जिस वक्त भी जमानत होगी हमारा उसी दिन जश्न होगा। हम तो कानून और आइन के साथ खड़े हैं, हमारे लोग आज भी उनके इमरान खान उनके दिलों में बसता है और लोग आज भी मोहब्बत करते हैं। 70% आज भी, 70 से 80% जो पॉपुलरिटी है आज भी वो इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं। और कब तक ये जो गुलाम निज़ाम है वो उनको बंद रखता है, ये डिपेंड करता है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, लास्ट टाइम भी जब ये समाअत होती है तो जमानत के दिन तमाम दरबुकला कहते हैं कि भई तैयारियां पकड़ लें, मिठाइयां ले लें और ये कर लें वो कर लें, लेकिन बाद में कारकुनान जो आप लोग के हैं उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। देखें, हम सब कारकुन हैं, हम सब मायूसी का शिकार होते हैं जब इंसाफ नहीं मिला करता, जब कानून की हुक्मरानी जिस मुल्क में नहीं होती, तो उस वक्त फिर अफरा तफरी, इंतशार और बदमनी फैलती है। इस वक्त जो इंतशार की कैफियत है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो लोगों के अंदर मायूसी है, वो सब आप देख सकते हैं, लोगों के चेहरों से आया है। अच्छा, अगर आज खान साहब को इन केसेस में जमानत मिल जाती है तो दीगर भी केसेस तैयार हैं, क्या उनमें भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है फिर? देखें, सब केसेस में जमानत ऑलरेडी थी, हो भी चुकी थी और थी भी, और अब तो ये भी साबित हो गया जो केसेस खारिज हुए थे जमानतें, वो भी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हुए थे। वो अदम पैरवी के ऊपर प्रिंसिपल दे दिया इन्होंने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पे खारिज नहीं कर सकते। जो बंदा जानबूझ के ना आए उसका केस तो आप अदम पैरवी पे खारिज कर सकते हैं, वैसे नहीं। अब एक बंदा अगर जेल में है और बंद कर दिया गया है किसी केस में, तो आप उसको उसका केस सिर्फ इस ग्राउंड पे खारिज कर देंगे जनाब ये अदम पैरवी खारिज कर रहे हैं, वो हो नहीं सकता। कानूनी तौर पर तो पोजीशन यही है कि जब इस एक केस में जमानत हो जाएगी साइफर वाले केस में, बाकी केस में तो ऑलरेडी ये प्रिंसिपल तय हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़्यादा देर लगेगी, ये तो है कानून की बात। अब अगर रियासत ये चाहती है कि नहीं हमने किसी सूरत नहीं आने देना बाहर, ज़ाहिर है फिर एक नए चक्कर में फंसा देंगे, नए मुकदमात उसमें डाल देते हैं, तो ये 180 से ज्यादा मुकदमा तो हो ही चुके हैं। तो ये सियासी इंतकाम का नतीजा जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है, और मौजूदा जो हुकूमतें बैठी हुई हैं ये सारी बी टीम है, फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, वो सब आपके सामने है, जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो उनका तरीक़ाकार है। शुएब साहब, लास्टली बताइएगा, धड़ाधड़ जलसे हो रहे हैं, सेमिनार्स, कॉर्नर मीटिंग्स पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें कर रही हैं, आप लोगों की जानिब से मुकम्मल के इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें हम जश्न ना मनाएं कि जी जमानत नहीं होगी। लेकिन मसला क्या है? मसला हमारे लिए कंप्रोमाइज जजेस हैं, मसला हमारे लिए रियासती इदारे हैं,
मसला हमारे लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि प्रॉपरली रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार है, जिसकी वजह से हमें मसाइल दरपेश हैं। तो क्या सेम क्वेश्चन के जश्न की तैयारियां शुरू कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान? अल्लाह करेगा जिस वक्त भी जमानत होगी हमारा उसी दिन जश्न होगा। हम तो कानून और आइन के साथ खड़े हैं, हमारे लोग आज भी उनके इमरान खान उनके दिलों में बसता है और लोग आज भी मोहब्बत करते हैं। 70% आज भी 70 से 80% जो पॉपुलरिटी है आज भी वो इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं। और कब तक ये